बच्चे को दिल में छिद्र हो जाता है तो समानता परिवार जो है पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होता है और वह इलाज के अभाव में बच्चे का प्राणांत हो जाता है। रेफरल कार्ड बनाते हैं और उसको मैं सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में भेजता हूँ, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मेरे अपने एम्बुलेंस के द्वारा उसके गंतव्य स्थान जहाँ उसका मकान है वहाँ पहुँचवाते हैं। उस स्टेज बाई है इसमें मैंने मिनिमम से मैक्सिमम जो है 12 लाख रुपए तक खर्च आता है। इस पर आप लोग ध्यान दें और लोगों को बतलाएं कि और कोई भी परिवार का चिराग बुझने से बचे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए कांटी प्रखंड के प्रमोद कुमार भोला सभागार में आज BDC का बैठक की गई थी जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की गई। इसी कड़ी में कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो नियुक्त किए गए थे आज यहाँ पर आकर लोगों के बीच जो है एक अच्छी पहल जो है सरकार की चल रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जी जो बच्चे का जो दिल में छेद होता है उसका जो है निःशुल्क इलाज होगा, इसी पर ब्रीफिंग करने के लिए हमारे साथ सर है। क्या कहेंगे सर, क्या है, क्या कुछ उद्देश्य है सरकार का? क्या सबसे तो धन्यवाद मैं दे रहा हूँ आपको कि आपने इसको पहल किया कि भाई जन सैलाब में या इसका सूचना जाए, जन जन व्यक्ति इस जानकारी ले और उसका लाभ उठाए। मैं डॉक्टर मुरारी मिश्रा RBS के कांटी PSC से मैं हूँ। मैं इसमें सभागार में आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं पहुँचा। मुझे लगा कि अगर मैं इस 20 पंचायत का जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि मुखिया जी समिति सदस्य सारे लोग एकत्र हुए हैं तो क्यों ना है कुछ अपने बारे में भी अपना काम कर लूँ सरकार का। तो हमारे RBS के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 37 बीमारियों का परीक्षण किया जाता है और उसका सरकार के खर्च पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया दिया जाता है, जिसमें एक योजना जन कल्याण योजना जो है आपको बाल हृदय योजना है, इसको हम सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि यह जो बच्चा इससे ग्रसित होता है वो उस बच्चे को दिल में छिद्र हो जाता है तो समानता परिवार जो है पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होता है और वह इलाज के अभाव में बच्चे का प्राणांत हो जाता है। तो यह सरकार के द्वारा योजना है तो हम लोग के अंतर्गत वह 37 बीमारी में एक ये भी है बाल हृदय योजना। तो इसके अंतर्गत जो है डिलीवरी पॉइंट से लेकर के और हमारा जो है 10+2 तक 18 साल तक एज तक 0 से 18 साल तक का मेरा स्क्रीनिंग करना है और वो स्वास्थ्य परीक्षण में जो बीमारी आता है स्टेज बाई बनाया गया है उसका रेफर करते हुए उसका समुचित इलाज हम लोग करवाते हैं। तो यह बाल हृदय योजना का जो मैं आपके सामने जो रखा तो यह बच्चे को जो छिद्र हो जाता है तो वह उसको हम लोग जैसे स्टेज है डिलीवरी पॉइंट पर मिला या आंगनबाड़ी में मिला और या विद्यालय में मिला तो उसको जो है पैसा का भाव में समुचित इलाज नहीं हुआ परिवार के द्वारा तो हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, उसका रेफरल कार्ड बनाते हैं और उसको मैं सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में भेजता हूँ, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्टर निशांत जी के द्वारा और रेफरल बना करके उसको पटना एम्स को भेजा जाता है। फिर वहाँ मेरे डॉक्टर्स जो है उसको पुनः चेकअप करते हैं और इको चेक करने में वह आ गया कि हाँ यह स्टेज बाई इलाज से होगा या इसका ऑपरेशन कराने से ठीक होगा तो उसको और ऑपरेशन का होता है तो पुनः पटना से फ्लाइट के द्वारा से उस बच्चे को अहमदाबाद भेजा जाता है सत्य साई हॉस्पिटल को सरकार उसको जो है हायर की हुई है तो वहाँ उसका ऑपरेशन होता है और उसको वहाँ रह करके जब देख स्वास्थ्य लाभ हो जाता है बच्चा स्वस्थ होता है तो वह फिर वहाँ से डॉक्टर छोड़ते हैं और हम लोग फ्लाइट से उसको फिर पुनः ले आते हैं पटना और पटना से पुनः मेरे अपने एम्बुलेंस के द्वारा उसके गंतव्य स्थान जहाँ उसका मकान है वहाँ पहुँचवाते हैं, जिसमें उसके परिवार को उसके अभी माता पिता को एक रुपया भी खर्चा नहीं लगता है, हमारे सरकार के द्वारा उसका पूरा पुनः खर्च उठाया जाता है। कितना हजार रुपया लग जाता है इसमें जो है? देखिए उस स्टेज बाई है इसमें मैंने मिनिमम से मैक्सिमम जो है 12 लाख रुपया तक खर्च आता है सरकार का। अभी कांटी प्रखंड में तो लगातार आप कैंप भी कर रहे होइएगा तो अभी तक कितना बच्चा को जो है ऐसा निकला है जिसका? यहाँ पर अभी तक मैं 5 बच्चे का ऑपरेशन मैं कराया हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा 5ों बच्चा स्वस्थ है और स्क्रीनिंग में 4 का मैं इलाज कराया हूँ, ठीक है, जो 4ों बच्चा स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। तो मतलब जो है कई जगहों पर होता है क्या कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराए इसके लिए भी हिचकिचाते हैं तो मैं तो आपको पुनः मैं बतलाया ना कि मैं उस बच्चे का जो हेल्थ कार्ड बनाता हूँ ना उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करना तो पुनः उसका ID कोड होता है वह जहाँ आंगनबाड़ी के क्षेत्र में आता है तो आंगनबाड़ी का ID मैं लेता हूँ और विद्यालय के क्षेत्र में आता है तो मैं उस विद्यालय का ID कोड लेता हूँ और उसी के आधार पर मैं जिला में उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके और उसका लाइन लिस्टिंग करवा करके वहाँ भिजवा कर पटना फिर पटना में पुनः जाँच करवा करके मैं उसको जैसा स्टेज बाई होता है जो डॉक्टर्स मेरे क्लियर करते हैं इको कराने के बाद तो उसको
ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, जो पूरा उसका लाइन लिस्टिंग करने के बाद अहमदाबाद सतसाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, पुनः वहाँ से वापस होता है। अंतिम सवाल है सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूँ कि जन जन तक इसको फैलाइए। अगर इस बीमारी से जो भी ग्रसित है, ऐसे तो मैं बताया कि 37 बीमारी है, लेकिन यह बाल हृदय योजना के अंतर्गत जो हृदय में छिद्र का सर्वोपरि है, इस पर आप लोग ध्यान दें और लोगों को बतलाएँ कि अरे कोई भी परिवार का चिराग बुझने से बचे, क्योंकि बच्चे मरे देश के भविष्य हैं। लोगों के द्वारा कमेंट में भी कहा जाता है कि जाने के बाद हम लोगों को जो है सही सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उन लोग कैसे आपसे संपर्क करेगा? मोबाइल नंबर कुछ हो तो ब्रीफिंग? हाँ, तो मैं तो आपको मेरा अपना नंबर मैं बता ही दिया हूँ कि डॉक्टर मुरारी मिश्रा RBS के 9801656375। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार के अब महत्वाकांक्षी योजना है और लोगों से भी अपील किया है कि वो ऐसा व्यक्ति को, वो ऐसे बच्चे को देखे तो उसे जो है नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जो है वहाँ से अपना सभी चीज़ बनवा सकते हैं, कागजात बनवा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं। ऐसी खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।